बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शाहिद भाई के घर आए हैं। कल हमने रात को जिक्र किया था दावत का और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शाहिद भाई ने बेहतरीन दावत की है। आज अनवा अकसाम के खाने थे, हमें कहने की ज़रूरत नहीं। आज आप देखें शाहिद भाई, भट साहब, मोहम्मद अकरम भाई, मुबशर भाई कल वाले जो आपसे मुलाकात हुई थी, एक साहब लेटे हुए हैं, उनसे उनकी तरफ मैं कैमरा लेके नहीं आऊँगा क्योंकि वो लेटे हुए हैं। ये भाई आ गए साथ में, सईद भाई, और आए हैं आसिम भाई। आसिम भाई के साथ ये आ गए अब्दुल वसी भाई। तो बहरहाल ये लें आप, ये भट साहब इस वक्त बाकी चीज़ कैप्चर करेंगे। और माशाल्लाह जो है इस वक्त बेहतरीन खाना बनाया है शाहिद भाई के घर वालों ने, और उसको हमने बेइंतहा इंजॉय करके खाया है। और इन हालात में भी मेरा कहने का मतलब ये है कि SOPs के साथ आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप तमाम चीज़ों को इंजॉय करें, खाएं। मास्क सिर्फ शाहिद भाई लगाए हुए हमारे वहाँ, ये देखें डिस्टेंसिंग है और हम लोग एहतियात कर रहे हैं। इन सब में ये थोड़ा सा डरे हुए हैं, इसलिए इन्होंने जल्दी 50+ है ही ना, 50। अब ये अपने आप को सेव करने के लिए इन्होंने किया है, बाकी आप लोग अपना बहुत बिल्कुल बिल्कुल। और भाई भट साहब, आप कुछ कहेंगे? खाने में कोई कमी बेशी तो नहीं थी? माशाल्लाह बेहतरीन खाना था भाई, शायद और तौफीक दे और आप लोगों को भी तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह, हां, इस तरह की दावत में आप भी एहतमाम करते रहे। भाई जान, माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना शायद भाई ने खिलाया। बोलो यार, खुल के बोलो यार। अल्लाह ताला इनके खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। मुबशर भाई कुछ कहना है आपने? अब ये नहीं बोलना डटर के, बस मिलना मिलाना है। हाँ बस बस, हालात चल रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, हाँ, तो उसमें काफ़ी लोग जो है परेशान किए, घबराए हुए हैं। लेकिन ये कि अगर इस तरह के लोग जो है वो थोड़ा सा घबराहट को दूर रखे और मिले जुले तो इंशाल्लाह जल्दी ये माहौल ख़त्म हो जाएगा। इनका कहने का मकसद ये है कि घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। खान साहब की जो बात है ना, घबराना नहीं है, चाहे कुछ भी फटे पे लेटे हैं लेकिन घबराना नहीं है। और आसिम भाई आप कुछ कहेंगे? भाई पहले तो बहुत शुक्रगुजार है शाहिद भाई के, अल्लाह अकबर। इन्होंने इतनी जबरदस्त दावत शराब कर दी, क्योंकि उम्मीद नहीं थी पुरानी फाइनल देखते हुए। और शाहिद भाई दावत से पहले भी अपने मुंह छुपाते फिरते हैं, दावत में ना छुपाए। बिल्कुल, और एक नहीं दो नहीं माशाल्लाह इतना बिल्कुल कहा था आपने, इसलिए भी रिकॉर्ड आ जाना चाहिए। बिल्कुल, आमीन। उम्मीद पता नहीं करें ना करें, और इसके बाद चाय का दौर भी, चाय का दौर भी है भाई, चलते रहे। आमीन आमीन। मैं गुलाब जामुन दिखा देता हूँ आपको, लोगों को मैंने खाना नहीं दिखाया क्योंकि ये गुलाब जामुन देख लें, ये बच्चे हैं मैं भाई। आपने तो कुछ नहीं कहना भाई, वसी भाई बाहर के खानों से जान खुल गई। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। हाँ माशाल्लाह, ख़वातीन भी घर की और बच्चे भी, आप ये हो गया कुकिंग की तरफ रागिब हो गए और मुख्तलिफ किस्म के खाने बना रहे हैं, जिससे ये है कि घर में एक इंटरटेनमेंट भी है और अच्छा माहौल भी साथ जन्म ले रहा है। बाकी भाईजान आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में रखिएगा। सॉरी मैं भूल गया, जो मेज़बान है उनको भी मुझे कवर करना है भाई। ये शाहिद भाई ही आ गए, शाहिद भाई जनाब। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि इन मुश्किल हालात और कंडीशन को देखते हुए मेरे तमाम दोस्त ने मेरी दावत को कबूल किया और अपने कीमती वक्त में इस मौके पर कीमती वक्त दिया मुझे और यहाँ पे शरीक हुए। और इस तरह इस्लाम भी ये कहता है कि सब आपस में बैठे हैं और दावत दिए जा बैठे हैं, और एक उससे मोहब्बत भी बढ़ती है, भाईचारा भी बढ़ता है, और इतना सबको ऐसा करना चाहिए। इंशाल्लाह ताला जो पाकिस्तान के हालात हैं इन करीब सही हो जाएंगे, सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगे। हम सब ने दुआ की इंशाल्लाह भाई, आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इतनी मोहब्बत से दावत की है आपने, तो सबका आदमी आना लाजमी था।
आप उसमें चाशनी मिली हुई थी इतनी, जो आखिर तक अभी भी रखी हुई है, रखी हुई है। ठीक है भाई, सईद भाई भी, सईद भाई कुछ कहना चाह रहे थे आप, मैं सईद भाई कवरेज कर रहा हूँ। हाँ, इसरार किया सब दोस्तों ने, जदा कुछ कह नहीं रहा था, और सब दोस्तों के इसरार पे ये बात कर रहा हूँ, और ये शायद मैंने जो इत्माम किया माशाल्लाह मेज़बानी की, और हम लोग सब आए। जी जी, अल्लाह ताला से नाम शायद होता करे बरकत सबकी दोस्ती में, इखलास से मोहब्बत। आमीन सुम्मा आमीन। बस अपना बहुत ख्याल रखिएगा भाई लोग, अपना बहुत घर वालों का भी ख्याल रखिएगा, आस पड़ोस का, महल्ले वालों का, और हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।